सियासत की पिच पर कब कौन किसे पटखनी दे दे ये कोई नहीं जानता, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, बस मौका मिलने की देर होती है। मौका परस्ती के लिए सब तैयार बैठे होते हैं, चाहे वो हाईकमान हो या फिर राज्य का कोई नेता। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में बात जरूर पंजाब की होगी, मगर पंजाब की बदौलत कैसे देश में सियासी महाभारत होने लगी है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आज हम पूछेंगे कि क्या चन्नी के बहाने सिद्धू को सीएम बनाने की सोच रही है कांग्रेस, और ऐसा सोचना कांग्रेस के लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जाते जाते जो बातें सिद्धू के बारे में कही हैं उन्हें सुनकर कौन गुरु को सुल्तान बनाने की सोच सकता है। एक तरफ 2022 साथ ही 2024 दोनों में जीत का ख्वाब जरूर देखा जा रहा है, मगर राहुल सिद्धू की शरण में हैं, उनके कहे मुताबिक चल रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो भला वो मोदी से कैसे लड़ लेंगे, जिस कांग्रेस पार्टी में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही वो देश में मोदी से सियासी तकरार में कैसे सामना करेंगे। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी अड़ी, लेकिन सबसे पहले खबर सबसे बड़ी। पंजाब में कांग्रेस ने चला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, 2022 के चुनाव के मद्देनजर चन्नी को बनाया सीएम। कांग्रेस का साफ इशारा, चुनाव में खेलेंगे दलित कार्ड। पंजाब समेत कई राज्यों में दलित किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक से विपक्षियों के ख्वाब को लगा झटका। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों विपक्षियों के ख्वाब को लगा झटका? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल कहती रही कि हम डेप्यूटी सीएम देंगे, दलित डेप्यूटी सीएम देंगे पंजाब को। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम दलित को सीएम बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे से पहले कांग्रेस ने कर दिया। क्यों कर दिया अब वो समझिए। पंजाब की आबादी और जाति, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब अगर आप आंकड़ों के हिसाब से इन जातियों का बिखराव देख लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि वोटों के हिसाब से खांचों में बटी ये जातियों को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कैसे की जाती है। कुल सिख वहां पर 1.60 करोड़, मतलब अगर पूरी आबादी में प्रतिशत देखेंगे तो 58%। कुल हिंदू वहां अगर आप देखेंगे तो वो भी लगभग उतना ही, और ये इसमें जाहिर है ये यहां 1.60 है और यहां 1.06 है। अगर ये अंतर देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 58 या 39%। उसके बाद आ जाइए कुल दलित में 88.60 लाख, 32% इसमें दलित हैं। सिख दलित, अगर उस दलित में पूरा जो दलित यूनिवर्स है उसमें सिख दलितों को आप देखेंगे तो वो करीब 60% ऑफ द एंटायर दलित पॉपुलेशन, मतलब ये सिख दलित है करीब 63.9 लाख, 19% प्रतिशत के हिसाब से। और अगर इसमें आज आप आएंगे इस कुल दलित में, इस यूनिवर्स में सिख दलित और हिंदू दलित इनमें अगर आप अलग अलग देखेंगे तो हिंदू दलित है वो 12% के 34.4 लाख, कुल पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज उधर लिखा हुआ है। ये दिखाता है कि अगर आप 32% मोनोलिथिक समझते हैं दलित पॉपुलेशन के चंक को, तो जाहिर है उसके लिए आपको अपनी तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेलना था। और क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ये बड़ा सवाल है। चन्नी सीएम साधे तीन समीकरण, वो तीन समीकरण कौन कौन से हैं? अब जरा वो देखने की कोशिश करते हैं। मास्टर स्ट्रोक, चन्नी सीएम साधे तीन समीकरण, यहां पर आइए। 32% दलित वोट जो मैं आपको बता रहा था, 32% दलित वोट के सध जाने का मतलब यह है कि अगर ये वाकई, क्योंकि अभी तक ये बटा हुआ वोट है, अगर दलितों को यह लगता है कि हमारे मुद्दों का रियल चैंपियन अमुक पार्टी है तो पूरे दलित उधर जा सकते हैं। और इसीलिए आपने ये देखा कि जैसे ही कांग्रेस ने यह कदम उठाया तुरंत ही मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आना पड़ा और यह कहना पड़ा कि एक्चुअली दलितों समेत सभी लोगों के हक और हित की बात बाबा साहेब अंबेडकर ने की थी, ये यहां पर जो कुछ कर रहे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये तो नाइट वॉचमैन है चन्नी, एक्चुअली जो सीएम है वो तो अभी आने वाला है। अब इधर देखिए, दूसरा ये कि रंधावा से नाराज सिद्धू शांत हो गए, ये एक तरीके से सिद्धू को पेसिफाई कर गया और रंधावा को भी उधर रंधावा के जरिए और सोनी के जरिए यह संदेश भी दे दिया गया कि ऐसा नहीं है कि बाकियों के हम खिलाफ हैं। अब तीसरा देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सोच पर प्रहार, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी
यहां पर दोनों ही जगह यह मंथन चल रहा था कि दलित को लेकर क्या किया जाए, क्या फेस पोर्ट्रेट कर दिया जाए और उनको बना दिया जाए आने वाले दिनों में, यह कहा जाए कि हम इनको बनाएंगे अगर आते हैं पावर में तो। और यहां इससे पहले कि यह कहा जाता, बोला जाता, इसको बार बार रीइंफोर्स किया जाता, यहां यह करके दिखा दिया गया, मतलब यह कि यह करेंगे, हमने कर दिया। इस तरीके से एक चन्नी को बनाने से तीन समीकरण साधे गए। पंजाब में चरण की जीत क्यों? सबसे पहली बात, सिद्धू की सबसे पहली ख्वाहिश। सिद्धू ने यह कहा और आला कमान को इस बारे में कन्विंस भी किया कि अगर हम ये करते हैं तो दलितों के बीच में संदेश जाएगा और हमको यह हो सकता है कि वो सारे दलित एक साथ आकर उनमें से ज्यादातर हमारे लिए वोट करें। पहली ख्वाहिश ये कि कांग्रेस हाई कमान के बेहद करीब, आप जानते हैं कि सिद्धू इस समय हैं और सिद्धू अगर वहां ये कह रहे हैं और इस बात को समझ लिया जाता है तो ये बात एक तरीके से उनके फेवर में जाती है। और सिद्धू ने ये बात समझाई जब कन्विंस करने के लिए आला कमान रजामंद हो गया। अब ये रविदासिया समाज से आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और रविदासिया समाज से आने की वजह से इनको अगर बनाया जाता है तो एक मैसेज पूरे की पूरी दलित कम्युनिटी में जाता है कि देखो हमारे बीच में से निकालकर सीधे सीएम बनाया गया है। समाज पर आरक्षित वर्ग का सीधा प्रभाव, क्योंकि अगर वहां आप देखें तो 134 में से 17 सीटें ऐसी जिसमें सीधे जो कि आरक्षित हैं, और बाकी ऐसी जो सामान्य वर्ग की सीटें भी हैं वहां पे भी कई सीटें ऐसी जिनमें दलित जो समुदाय है उसका बड़ा प्रभाव है वोटर के तौर पर। और हाई कमान की समाज पर सीधी नजर, इस समाज पर हाई कमान की सीधी नजर, मतलब यहां ये कि कोई मंत्री बना देंगे इस वर्ग का या इसको कहीं और अकोमोडेट करेंगे, ऐसा नहीं, सीधे हम आपको सीएम बनाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब भरोसे यूपी पर निशाना है, क्योंकि यह बात कही गई है और स्पष्ट रूप से कही गई है कि कांशीराम पंजाब के रहने वाले थे और कांशीराम ये चाहते थे कि दलित सीएम हो और कांग्रेस ने कांशीराम का सपना पूरा किया है, ये बात कही गई। यूपी में कांशीराम के लाखों फॉलोअर्स हैं और पंजाब भरोसे क्या उत्तर प्रदेश को भुना सकती है कांग्रेस, और इसीलिए क्या मायावती को स्पेशली सामने आकर इसका जवाब देना पड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक पर सवाल क्या उठ रहे हैं, कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सिखों के बड़े तबके को कांग्रेस ने नाराज करने का जोखिम उठाया है, क्योंकि जाहिर है वहां दलित आबादी से ज्यादा बड़ी आबादी दूसरी आबादी है, क्या वो नाराज हो जाएगी? चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो फिर चन्नी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, क्योंकि ये बात हरीश रावत ने कही कि हम सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो वहां जाखड़ आ गए सामने, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर इनको सीएम क्यों बनाया। बहरहाल, क्या पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी को काम करने के लिए ऐसी सूरत में फ्री हैंड दिया जाएगा या एक्चुअली जो सिद्धू कहेंगे उसको वो करते हुए दिखाई देंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो क्या उन्हें डमी सीएम के तौर पर जाना जाएगा, और क्या अगर ऐसा जाना गया तो कांग्रेस को पंजाब में बड़ा नुकसान हो सकता है क्या? क्या कैप्टन के अलग राह पर चलने से कांग्रेस को वोटों का बड़ा नुकसान हो सकता है क्या? क्योंकि कैप्टन तो जाहिर है, अभी आप कुछ भी कर लीजिए, उनके साथ जो बर्ताव हुआ है, पहले सिद्धू को आपने वहां कांग्रेस का मुखिया बना दिया और उसके बाद सिद्धू के कहने पर इन तमाम विधायकों ने अलग बैठक की, और फिर आलाकमान ने सिर्फ इतना कहा। कहा जाता है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आलाकमान को फोन किया तो सिर्फ एक बात कही गई, सॉरी अमरिंदर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।